सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों आज हम आपका चैप्टर 5 पढ़ेंगे हिंदी का, हिंदी लिटरेचर का। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग मिलकर, मतलब कुछ पौधे, सूरज, वर्षा मिलकर, कुछ लोग मिलकर कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कैसे पौधे को जमीन से निकाला जाए, उसका विकास किया जाए, किसका किसका किस कितना सहयोग करना है, ये सब इस चैप्टर में बताया जाए। इस चैप्टर में मतलब एक तरह का संवाद हो रहा है, यानी बातचीत हो रहा है कुछ लोगों के बीच में। आइए देखें हम पात्रों का नाम क्या है। पहला है सूरज, दूसरा गन्ना बीज, तीसरा वर्षा, एक छोटा पौधा, दूसरा छोटा पौधा और सारे पौधे, प्रदूषण राक्षस और पेड़। ये हमारे वातावरण को लेकर, यानी हमारे एनवायरनमेंट को लेकर एक तरह का वार्तालाप है। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं कि सूरज निकलता है तो चारों तरफ रोशनी होती है, अंधकार मिट जाता है, सुबह सवेरे सबको अपने अपने काम में, अपने अपने वर्क में लग जाते हैं। तो उसी तरह सूरज एक दिन निकलता है और एक छोटा सा नन्हा सा बीज रहता है जो कि एक जमीन के अंदर दबा हुआ रहता है। तो जब सूरज निकलता है तो वो कहता है कि कितना अच्छा लगता है, मतलब सूरज को भी अच्छा लगता है कि अंधकार हटा रहे हैं, हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं, वो अपनी मंजिल में आगे बढ़ रहे हैं। तो सूरज को ये सब देखकर बहुत खुशी मिलता है। लेकिन जब सूरज देखता है कि एक छोटा सा बीज जो कि जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो ज़मीन के अंदर दबा पड़ा है, तो वो उस बीज से पूछता है कि तुम यहाँ अंधकार में क्या कर रहे हो, तुम उस जमीन के अंदर का अंदर क्या कर रहे हो जहाँ सिर्फ अंधेरा है। नन्ना बीज कहता है कि मैं यहाँ गहरी सोच में बैठा हूँ, जैसे कि अगर मुझे किसी किसी बात पे हम लोग को सोचना रहता है या कुछ गहरी चिंता होती है तो हम उस पर अकेले बैठे के सोचते हैं। उसी तरह वो बीज कहता है कि मैं यहाँ अकेले गहरी सोच में बैठा हूँ। सूरज बोलता है कि नन्हे बीज ऊपर आओ और देखो, सिर उठाओ और देखो कितना अच्छा लग रहा है। यानी बीज बीज को कहता है कि तुम बाहर निकलो, खिलो और देखो कि बाहर कितना आनंद आ रहा है, इस दुनिया में कितना अच्छा लग रहा है, इस संसार में। नन्हा बीज कहता है कि बाहर मैं आ जाऊँगा, खड़ा भी हो जाऊँगा, मतलब बाहर तो मैं निकल जाऊँगा, खड़ा भी हो जाऊँगा, पर मुझको नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा, यानी मैं किधर जाऊँगा मुझे ये नहीं पता। हो सकता है कि वो इस घर से हो कि उसे तूफान बांधे ले जाए अपने साथ, वर्षा अपने साथ बहा के ले जाए। इस जैसे वो कहता है कि मैं खड़ा भी हो जाऊँगा, बाहर भी आ जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। सूरज बोलता है कि लो मैं तुम्हें अपना हाथ देता हूँ और तुम उसके सहारे बाहर आ जाओ और देखो हमारा संसार कितना सुंदर है। सूरज के कहने का ये मतलब नहीं था कि हमारे तरह उनका हाथ होता है, वो हाथ देंगे और पेड़ पकड़ के, वो पौधा पकड़ के निकल जाएगा, नहीं, वो अपनी रोशनी की किरणें देंगी और उसके सहारे उस बीज को धीरे धीरे करके उस जमीन के अंदर से बाहर निकलना था। बच्चों आप सबको पता है कि जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है तो ज़मीन कड़क हो जाती है, सूख जाती है, बंजर हो जाती है, जहाँ वर्षा नहीं होती। तो जब सूरज बोलता है कि तुम बाहर आओ, खड़े हो जाओ, तो मैं तुम्हें रोशनी दे रही हूँ, तो नन्हा बीज कोशिश करता है ज़मीन से निकलने के लिए। तो नन्हा बीज जब कोशिश कर रहा होता है तो वो ज़मीन उसे इतनी कड़ी लगती है कि वो निकल नहीं पाता। तो वो कहता है कि मुझे बाहर आने का तो मन कर रहा है लेकिन ये ज़मीन इतनी कड़ी है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो सूरज बोलता है अच्छा ठहरो, मैं अपनी दोस्त वर्षा को बुला के लाता हूँ। वर्षा यानी बारिश, आप सबको पता है कि जब बारिश होती है तो ज़मीन हल्की हो जाती है, नरम हो जाती है। कोई भी अगर हमें बीज उपजाना हो तो हम बारिश के मौसम में लगाते हैं, जैसे कि धान वगैरह हुआ, ये सब बारिश के मौसम में लगता है, पानी देते हैं ताकि वो ज़मीन नर्म हो, ताकि उस बीज को बाहर निकलने में आसानी हो।
वर्षा आता है, सूरज वर्षा को बुलाता है, वर्षा कहती है रुको रुको ठहरो ठहरो मैं आई, अपने साथ में खूब सारा पानी लाई, यानी वर्षा के साथ जाहिर सी बात है कि पानी होगा ही होगा जब वर्षा होगी, वर्षा यानी पानी। तो वो कहती है कि मैं आ रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए खूब सारा पानी लेके आ रही हूँ, उस जब मैं वर्षा करूँगी तो ज़मीन उस वर्षा से अपने आप ही नर्म हो जाएगी और तुम्हें निकलने में आसानी होगी। तो बीज कहता है ठीक है, तो जब वर्षा हो जाता है तो कहती है वर्षा कि चलो निकलो, अब ज़मीन हल्की हो गई है, अब तुम आसानी से निकल सकते हो। फिर पौधा डर जाता है और कहता है तुम अपने साथ में किसको लाए हो, अब जहाँ बारिश होगी वहाँ हवा तो आएगा ही बच्चों, तो उसके साथ हवा भी आता है। तो वर्षा बताती है कि मैं अपने साथ हवा भी लाई, इसने कहा कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, और आप सबको पता है कि जब हवा बहती है तभी हम हवा में ही सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन में ही हम सांस ले सकते हैं, नहीं तो हमारा विकास या हम धरती पे सर्वाइव यानी रह नहीं पाएंगे, हम धरती पर टिक नहीं पाएंगे, मर जाएंगे बिना सांस के बिना हवा के। तो जब ये बात वर्षा बताती है उस नन्हे से बीज को कि ये तुम्हारे को सांस लेने में आसानी होगी, ये तुम्हारी मदद करने आया है, तुम इससे बढ़ोगे फूलोगे फलोगे, तो बीज अपना डर हटा के और धीरे धीरे उस जमीन के नीचे से निकलती है, निकलती है। और जब वो दुनिया देखती है तो कहती है आहा कितनी चहल पहल है इस धरती पे, कितना सुंदर है ये धरती, क्या मैं इन पेड़ों से इन पेड़ों जैसा बन पाऊंगी, यानी वो जब बाहर निकलती है तो देखती है कि बड़े बड़े पेड़ हैं, उससे भी बड़े बड़े पौधे, क्योंकि वो तो छोटी सी होगी तो उससे भी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। तो वो पूछती है सूरज से वर्षा से हवा से कि क्या मैं कभी इनकी तरह बन भी पाऊंगी, इनकी तरह छाया भी दे पाऊंगी। तो सूरज बोलता है क्यों नहीं, बिल्कुल तुम यहाँ खेलोगी खाओगी पियोगी और बड़ी होगी और एक दिन इसी तरह छाया देगी। तो बच्चों इस सीरीज में इतना ही, नेक्स्ट सीरीज में इसकी आगे की स्टोरी मैं बताऊंगी, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।